सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए बढ़िया से व्लॉग में। अभी भाई टाइम हो रहा है, अभी बज रही है शाम के 6:30 PM। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज भाई डेट है, आज है 1st of March। आज भाई मेरी मम्मी का बर्थडे। भाई मम्मी पूरी रेडी हो चुकी है। भाई आज मम्मी का बर्थडे है। मेरे जो गाइस दीदी है ना, उसका कल भाई 3rd board का एग्जाम है, साइंस का पेपर है कल उसका। तो कह रही थी मुझे भाई पढ़ाई करनी है, तो आज हम भाई कहीं भी नहीं जा पा रहे उसके पेपर के चक्कर में। तो इसलिए भाई आज मम्मी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे घर में ही। तो अभी पापा और मैं जा रहे हैं केक लेने के लिए, और सारे भाई मम्मी को कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोल दो। और आज देखो दरीने का कहना है, रेड कलर का कुर्ता। हमारे घर में गाइस मार्च में दो दो बर्थडे आते हैं, एक तो 1st March को मम्मी का और 7th March को दीदी का। आज भाई लेट व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल भी आता ना, इसलिए भाई थोड़ा रेडी शेडी होने में टाइम लग गया था। अभी गाइस पहुंच चुके हैं बेकरी पे। यहाँ से भाई मम्मी का केक होगा तो यहीं पे अवेलेबल, बनवाना पड़ेगा, फ्रूट केक बनवाएंगे। हर बार घर में किसी का भी बर्थडे होता है ना, यहीं से भाई केक बनवाते हैं। तो अभी मम्मी के केक का ऑर्डर दे देते हैं। गाइस अभी बेकरी से बाहर आ चुके हैं, हमने भाई केक का ऑर्डर दे दिया है। और मैंने घर पे खाने के लिए पेस्ट्री भी ले ली दैविक के लिए और मेरे लिए। अब भाई केक मिल जाएगा हमें 2-3 घंटे बाद, तो आना पड़ेगा दोबारा लेने के लिए। रास्ते में जाते हुए हम ले रहे थे यहाँ से हैप्पी बर्थडे। अभी गाइस चुके हैं भाई, डेकोरेशन का जो लाए थे ना वो भी यहाँ पे दीवार पे लगाएंगे। खाते नहीं है इसे, जो हम आपके लिए कुछ लाए हैं और कुछ तो मिक्स हो गए। ये कौन सा तरीका है मतलब केक खाने का तुम्हारा? तो अभी गाइस हैप्पी बर्थडे का जो ये बैनर सा है ना, इसको हमने लगा दिया है। टाइम हो गया, अभी बज गए शाम के 7 और अभी भाई हमने बलून वगैरह सब लगा दिया है, डेकोरेशन कर दिया है। भाई अभी मैंने भैया से फोन करके पूछा जिनको हम केक का ऑर्डर देके आया, तो वो कह रहे कि केक आपका बन चुका है तो आ जाओ आप लेने के लिए अपना केक। पढ़ाई चल रही है, टाइम हो गया, अभी बज गए रात के 8 और अभी भाई हम फाइनली केक लेके आ चुके हैं। मेरा भाई हमारा केक, और भाई टाइम हो गया केक काटने का, तो मम्मी को जल्दी से बुलाते हैं। मम्मी रेडी तो केक काटते गाइस। पापा मम्मी और दैविक सारे बैठे हैं और भाई अब काट रहे हैं केक, और पापा एक ब्यूटीफुल सा गाना भी गाएंगे गिटार के साथ। लाइक कर देना अगर मेरा आवाज थोड़ी सी अच्छी लगे आपको, ठीक है। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कर रहा है भाई? पापा कैंडल खिलाओगे क्या? ड्रैगन फ्रूट महंगी बात है। मम्मी कहते खतरनाक वाले चाकू से खिला रहे हो क्या? तो भी है। दादी कोई गिफ्ट लेके आया है मम्मी के लिए, क्या लाए हो? ओए पर्स। गाइस दैविक ने मम्मी को दिया ये लेवाइस का बैग। कल गाइस दीदी का 3rd board का एग्जाम है, और कल ना भाई पापा को ना कहीं बाहर जाना है, तो पापा कल दीदी को छोड़ने ही जाएंगे, तो कल भाई मम्मी और मैं जाएंगे दीदी को छोड़ने के लिए। तो कल का भी व्लॉग इसी में कंबाइन करूंगा। भाई आज का हमारा डिनर भी आ चुका है, आज के डिनर में है भाई आलू की सब्जी और पूड़ी। आज का भाई खाना सिंपल सा ही है, आज ज्यादा हमने हैवी खाना नहीं बनाया क्योंकि भाई सबके घर में ना तबीयत ढीली सी हो रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। हमने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भैया अभी फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी भाई टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30 AM। पापा भाई हमको गाड़ी से स्कूल तक छोड़ देंगे, उसके बाद पापा को कहीं काम है, पापा वहाँ पे चले जाएंगे, 3 घंटा वहीं पे वेट करेंगे और इधर से उधर घूमेंगे। भाई हमारा दैविक जो कि ब्लैक कलर का हुडी पहन के फुल रेडी हो चुका है, चलो गाइस अपनी गाड़ी के पास आ गए। और भाई आज का मौसम जो है ना बहुत खराब हो रहा है, सुबह से भाई बारिश आ रही है, अब थोड़ी बंद हुई है बारिश, सुबह से बारिश आ रही है, बाहर बिजली कड़कने की आवाज उरा उरा। अरे 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 अरे, अभी हम बातें कर रहे थे, एकदम से माता जी हमारे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पिकनिक मना रहे थे क्या? दीदी बेस्ट ऑफ लक। और गाइस आज तो मम्मी भी जा रही है। मतलब सुबह सुबह नावले की आप देखो कितना तगड़ा वाला बदर मचा हुआ, देखो पूरे यहाँ पे बसों के लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियां गाड़ियां जा रही है, कहाँ से निकल जाए यार, हर जगह से टू टू पैर पैर।
स्प्रिंग सीजन आ गया गाइस, रोड पे पत्ते ही पत्ते, पेड़ के पत्ते पत्ते। अभी गाइस पहुंच चुकी है स्कूल के बाहर, ये सामने आ चुका है, अरे स्कूल के बच्चे भाई यहाँ पे आ चुके हैं। उस दिन की तरह बेइज्जती मत कर, बाय करके जा, बाय करके जा, बाय कर, बाय गाइस। हमने दीदी को छोड़ दिया और अभी गाड़ी में आके बैठ गए हैं, और भाई घर से ना ब्रेकफास्ट पैक करके ले आए थे, तो अब गाड़ी में करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद पापा जो है निकल जाएंगे जहाँ पे पापा को काम है ना, और मम्मी और देविक और मेरे को यहाँ पे 3 घंटे बिताने हैं। गाइस हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है हमारा, और भाई पापा भी जा रहे हैं जहाँ पे पापा को काम था, तो पापा को भाई भाई बोलते हैं, और अब हम 3 घंटे ही काटते हैं अपने। पापा चलो मम्मी फिर कहाँ करे टाइम पास, पार्क में, पार्क में घूमेंगे या तो रिक्शा पड़ के कहीं चले जाएंगे। गाइस हम पार्क के अंदर आ चुके हैं, यहीं कर सकते हैं भाई टाइम पास, और तो कुछ यहाँ पे आसपास घूमने का नहीं है, स्कूल कोई ऐसी अच्छी लोकेशन में नहीं है जो आसपास घूमने का हो। तो पार्क के एक सामने है, किधर है, तो हम इधर वाले में आ गए, यहाँ पे जिम मारेंगे थोड़ा सा। गाइस क्या हो गया गाइस, आपसे उठ नहीं रहा क्या, ये वाला उठाओ, तुम्हारे तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी भाई टाइम हो गया, अभी बच गया दोपहर के 11, और मौसम जो है ना बहुत तेज तेज हवा चल रही है, उसकी वजह से जो पेड़ है उन पर पत्ते भी झड़ रहे हैं। यहाँ पे भाई देविक और मम्मी खेल रहे हैं छुपन छुपाई। 11 ही बजे हैं, 1:30 बजे दीदी का पेपर जो है वो खत्म होगा, तो अभी भाई बहुत टाइम है यही काटना है। दीदी ने पेपर लिखना स्टार्ट किया होगा, वो सोच रही होगी कि आता है या नहीं आता। हेलो गाइस, पूरे पाप का एक चक्कर लगा के आ गया, के गुर्दे फटके इसके मुंह में आ गए। इसके वो दैवी का जा रहा, वो जो डॉगी है ना वो एकदम से उठ के इसमें भौंकने लग गया। तूने क्या कुछ छेड़ा था क्या उसे, तूने ऐसे ही भौंकने लगे, रो मत कोई नहीं, कुछ हुआ थोड़ी। इस दैविक डर गया, इस डॉगी ने इसके ऊपर भौंक दिया ना, वो तेज बाहर आ गया। गाइस हम उस वाले पार्क से निकल के जिसमें पहले थे ना, उस पार्क से निकल के भाई आ चुके हैं दूसरे पार्क में। यहाँ भाई हम खा रहे हैं कुछ खाने का, छोले कुलचे लेके आ गए और कढ़ी चावल और राजमा चावल लेके आ गए, तो ये खाएंगे हम दैविक छोले कुलचे, मम्मी और मैं कढ़ी चावल और राजमा चावल। गाइस हमने खाना पीना सब खा लिया है भाई, पेट एकदम हो चुका है फुल। भाई खाना खाया ना तो सारे यहाँ पे क्लीन कर दिया, उस पन्नी में भर दिया, उसको सामने डस्टबिन है वहाँ पे फेंक देंगे। देविक को भाई छोले कुलचे खा के आ चुकी है ना, तो अभी भाई हमने खाना पीना सब खा लिया और यहाँ पे अब थोड़ी देर लेट रहे हैं। देविक भाई यहाँ पे लेट रहे हैं। तो अभी गाइस टाइम हो गया, अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30 PM। तो भाई जैसा कि बताया आपको कि दीदी की भाई 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो भाई दीदी की छुट्टी हो गई होगी, हमें पार्क में लेटे लेटे बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया। सही है, ऐसे लेट जाया करेंगे टाइम बीत जाया करेगा। सब लेटे लेटे फ़ोन चला रहे थे, बातें कर रहे थे, इसमें टाइम निकल गया। भाई हम पार्क से निकल के जा रहे, सीधा सामने स्कूल है, यहाँ जा रहे दीदी को लेते, उसके बाद चलेंगे घर। 1:30 बजे से ज़्यादा बज गए और मुझे लगता है अभी बच्चे आए नहीं है सारे, क्योंकि पेरेंट्स खड़े हुए हैं ना, वो गेट खुल गया, अभी अभी खुला है गेट। आज भाई सबसे टफ एग्जाम था इनका साइंस का, देखते दीदी का कैसा गया होगा एग्जाम, जो भाई तब पूछूंगा। गाइस अभी दोनों फ्रेंड्स आ चुके हैं, कैसा गया पेपर, मेरा 2 था 2, तेरा कैसा गया, तेरा कैसा अच्छा हुआ। गाइस दीदी आ चुकी है बाहर और अब भाई यहाँ से निकल रहे हैं हम अपने घर की तरफ, यहाँ से रिक्शा ढूंढते हैं, पहले तो शोर इतना हो रहा है। तो गाइस अभी ना हम यहाँ पे रिक्शे की पूछ रहे थे, जिससे पूछा वो कह रहा है हम नहीं जा रहे हैं नागले। अब गाइस कैसे जाए यार, शिट भाई ये तो गलत चीज़ हो गई। हमने गाइस बहुत सारे ऑटो की पूछी, सारे ऑटो वाले कह रहे हैं नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने पापा को फोन किया, पापा कह रहे हैं मैं 1/2 घंटे में आ रहा हूँ, इन तुम ना पास में एक शॉप है वहाँ पे बैठ जाओ, और उसमें वो अगर भूख लगे तो कुछ खिला दो। अब भाई हम जा रहे हैं सामने बीकानेर वाला है, उस पर बैठ ही जाएंगे आराम से। पापा कह रहे हैं मुझे 1/2 आवर लेगा, फिर मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मैं ही ले चलूँगा। क्योंकि दूसरी फ्रेंड मिल गई, कैसा गया आपका पेपर, बकवास। अभी गाइस हम बीकानेर वाला में पहुँचे और यहाँ से हमें पता चला इन पे सिटिंग ही नहीं है बैठने के लिए, खड़े हुए आना पड़ेगा, और यहाँ भाई इतना देर कौन खड़ा रहेगा पापा के आने तक, इसलिए हम सबवे पे जा रहे हैं, सबवे से खा लेंगे कुछ। भाई सबवे में वहीं पे बैठेंगे जाके, अब लेट्स गो। तो अभी गाइस सबवे में है, किसी को दुख नहीं थी, मम्मी वाला दिया दीदी ने लाई चालू हो चुकी है, बस सब लेके एक बार हमें भी चलाओ, तो ब्रश नहीं करता दीदी। भाई सबने ले ली थी कुकी,
मुझे हाफ एनआवर लगेगा आने में, पर पापा का दोबारा फोन आया, पापा कह रहे भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला ट्रैफिक लग रहा है तो मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा, तो भाई तुम सबवे में बैठे रहो आराम से थोड़ा टाइम पास करो, मेरे को टाइम लगेगा, पापा कह रहे एक घंटा और लगेगा मुझे। मम्मी को बता रही क्या आता था क्या नहीं आता था, ये बता रहे कुछ नहीं आता था। भाई बच गया दोपहर के 3 और भी पापा का फोन आया, पापा ने बोला बाहर आ जाओ तुम, बस 2 मिनट में आ गया, तो पापा बस आए रहे हैं दोपहर के 3 बज गए, बहुत देर होगी वेट करते करते। तो गाइस अभी फाइनली पापा आ चुके हैं गाइस, भाई पापा बता रहे हैं कि पापा ना बाईपास से लेके रिंग टिंग आया, जो ट्रैफिक लग रहा है ना बाईपास से लग रहा है वहां तक पीरागढ़ी तक, भाई पापा कैसे कैसे आए ना, टाइम लग गया 3 बज गए, वरना तो पापा जल्दी आ जाते, इसमें धीरे धीरे चल चल के आ रहे, कितना जाम लग रहा है यार। जो मैडम थी ना वो बोल रही थी कि ना मतलब मैं बता तो दूंगी आंसर, पर ना मतलब कैमरा लगा होता है क्लास में तो वो बता नहीं सकती, बहुत वेरी गुड मैडम है। भाई पिछले 1.5 किलोमीटर से भाई ट्रैफिक लगा हुआ, और देखो कहाँ तक है भाई, इतनी ट्रैफिक में से आयो पापा, आने वाले तो नहीं है, बस आने आने वालों का ही है। भाई कल वाइफ का बर्थडे था, गिफ्ट तो कल दिला नहीं पाए, कल गिफ्ट दिला देते हैं, एक फोन दिला देते हैं मैडम को। भाई थोड़े दिन पहले हमने मम्मी को एंड्रॉइड फोन लाके दिया था ना, क्योंकि देविक ने मम्मी का फोन तोड़ दिया था, तो हम सोचे थे कि एप्पल का फोन लाएंगे लाएंगे, तो आज भाई लेने जा रहे हैं मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट। भाई जे पे तो मिला नहीं, मोटा खर्चा होगा, तो नए दिला देते हैं भाई, क्या करें नए दिलाते हैं भाई, करते हैं जुगाड़ कुछ, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, ठीक है दिलवाते हैं भाई। आज आपके हाथ में पुराना फोन नहीं था, आज आपके हाथ में नया फोन था, इसलिए नया फोन मिलेगा आज आपको, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में हाथ में। भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो फोन लेके, मम्मी आपको कैसा लग रहा है? देखूंगी ना कौन सा फोन है, आपने देखा तो था अंदर वही वाला है, जाके देखेंगे ना अच्छे से चला के, आपने जो देखा था ना अंदर वही वाला फोन है। अब गाइस हम सीधा यहाँ से जा रहे हैं अपने घर पे, और आपको घर पे दिखाएंगे भाई कैसा फोन है। जहाँ से गाइस आते वक्त सब्जियाँ लेते हैं ना, यहाँ से भाई ले रहे हैं सब्जियाँ, वो सामने वो छोले कुलचे वाले भैया हैं, तो भाई लेंगे सब्जी उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। लड़ाई हो गई बच्चों की, गद्दारी कर रहे गाइस, घुसंडी घुसंड बज गए थे अभी तो गाइस, बस कंटेंट मिलने ही वाला था, बस रुक गया गाइस, थोड़ा और लड़ लो यार, कंटेंट दे दो आज का। और भाई ठीक है तू, बढ़िया? हाँ भाई, कहते हैं रोड के बीच में चल रहे हैं, भाई तुम तो एकदम रोड के बीच में चल रहे हो यार, तुम तो रोड के बीच में चल रहे हो, अच्छी बात है रोड के बीच में ही चलना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रही है, बड़ा यूट्यूबर है वो। मम्मी भाई फाइनली अपने घर पे पहुंच चुकी है, शाम के 5:30 बज गए अभी। गाइस मम्मी से मम्मी का गिफ्ट खुलवाते हैं, मम्मी का बर्थडे गिफ्ट, बोलो मम्मी। ओए उतारना उसको, कैसा लगा? पबजी डाउनलोड कर दोगे? अच्छा कलर अच्छा है। पबजी डाउनलोड नहीं कर।